ईश्वर की शांति और आनंद। राम भगति मन उड़ बस जाके, दुख लावले सन सपने उठाके। जिनके हृदय में भगवत शांति आती, दुख लावलेश भी वहां नहीं ठहर सकता है, चिंता चूर हो जाती है। भगवत रस के आगे चिंता और विकार यूं नष्ट होता है जैसे सूरज के होने से ओस की बूंदे नष्ट हो जाती है। ओम शांति। मैंने ये करा, मैंने वो किया, वो किया, ये अभिमान शांत करने कराने वाली सत्ता परमात्मा की है। मैं उसी में शांत हो रहा हूं। मेरे को ये पाना है, ये बनाना है, ऐसा बनना है, ये सारी वृत्तियां धोखे से मन पैदा करता है। अब मन को ही भगवान में शांत कर रहे हैं। ओम शांति, ओम आनंद। होनी हो सो होएगी, अनहोनी ना होए। कभी ना राम भरोसे, ताने चादर सोए। होनी हो सो होएगी, अनहोनी ना होए। जो होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, भविष्य की चिंता करके क्यों मरूं। अभी मैं वर्तमान में भगवान की शांति में तरूं, भगवान के माधुर्य में, भगवान के रस में, सुख स्वरूप में अपने स्वभाव को बदलूंगा। चिंता शोक और अहंकार के स्वभाव को बदलूंगा। परमात्मा शांति में प्रवेश पा रहा हूं। मेरे दाता, मेरे रब, मेरे गुरुदेव, सदियों से भटका जीव, कर्मों की माया में झटका पटका जीव, अब ईश्वर की शांति में प्रवेश पा रहा है। ओम शांति, ओम शांति। संसार तापे तप्ता नाम योगो परम औषधा। जो संसार के ताप में तप रहे, त्रिताप में, उनके लिए भगवत योग, भगवत ध्यान परम औषध है। हम उस परम औषध में पावन हो रहे हैं। कर्तापन और भोक्तापन बनाकर परेशान हो रहे थे। कर्तृत्व के अभिमान से बोझिले हो रहे थे, भोक्तृत्व के भाव से परेशान हो रहे थे। अब तो भगवत भाव से पावन होंगे, अपने तुच्छ स्वभाव को भगवत स्वभाव में बदलेंगे, अपनी तुच्छ समझ को भगवती समझ के रंग में रंगेंगे। ओम आनंद। कर्म के लिए कर्म करेंगे, कर्ता बनकर नहीं, फल की वासना से नहीं। सहज कर्म करते हैं, न त्यजेत सदोषापि। सहज में जो कर्म कर्तव्य आ पड़े वो करेंगे, फल की लिप्सा नहीं, आग्रह नहीं। जैसे भगवान सहज में बंसी बजाते हैं जगत को सुख देने के लिए, फिर चाहे हमारा दुश्मन और निंदक भी हमारी बंसी सुनकर आनंदित होता है तो आनंद है, ग्वालन गोपी आनंदित है तो आनंद है, बछड़े आनंदित होते तो हमें आनंद है, गाय आनंदित होते तो आनंद है, और कोई आनंदित ना भी हो तो हम अपने आनंद को उभार रहे हैं। जैसे भगवान अपने आनंद को छलकाते हैं, ऐसे अब अपने आनंद को छलकाते हुए कर्म करेंगे। उसमें स्प्रिया नहीं, कर्तापना नहीं, भुक्ते की भीड़ नहीं, सहज कर्म, कर्म के लिए कर्म, आनंद उभारने के लिए कर्म, आनंद बांटने के लिए कर्म। संसार में दुख तो वैसे पहले कहो पाए, दुख बांटने के लिए तुम्हारी वाणी नहीं होनी चाहिए वापिस, अशांति बढ़ाने के लिए तुम्हारे कर्म नहीं होने चाहिए। भगवान अशांति बढ़ाने को कभी नहीं आए, दुख बढ़ाने को कभी नहीं आए, तो हम भगवान के भक्त अशांति और दुख बढ़ाने का कैसे कर सकते हैं। हमें तो शांति और आनंद ही उभारना है। हम भगवान के जो दास हैं, जो भगवान की आत्मा है, वो हमारी आत्मा है।
आनंद सुख स्वरूप है तो हमारा आत्मा भी सुख स्वरूप था, हमें मालूम न था। सतगुरु ने प्रकाश दिया, बलिहारी है। ओम शांति। नाहक अपने को कर्ता भोक्ता और वासना का दास बनाकर भटक रहे थे। ओम शांति। जैसे लहरियां दौड़ती है पानी में, ऐसे ही वासनाओं पर वासना ही दौड़ा रही थी। अब वासना भगवान के रस में शांत भगवतमय होने को जा रही है। तुलसी अपने राम को रीज भजो या खीज, भूमि फेंके उगेंगे उल्टे सीधे बीज। हम प्यार से तुम्हें शांत हो चाहे जब से शांत हो चाहे उल्हाना देकर तुझे याद करें, लेकिन लाभ तो होगा क्योंकि तुम अमृतमय है, तुम मधुमय है, तुम सुखमय है। सकर टेढ़ी पर छुरा पड़े अथवा छुरे पर सकर टेढ़ी पड़े, सकर टेढ़ी तो उसे रस देती है। ऐसे ईश्वर की कृपा तुम पर पड़े अथवा ईश्वर की शांति में तुम डूबो, बस ईश्वर तो ईश्वर है। पानी की धार तुम पर पड़े अथवा पानी में तुम गोता मारो, पानी तो द्रवीभूत करेगा। ऐसे तुम ईश्वर में शांत हो अथवा ईश्वर की तुम पर कृपा बरसे, है आनंद है। मारा वालूड़ा, ओ मेरे इष्ट देव गुरुदेव, हे 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 कर्तृत्व भोक्तृत्व दुर्जा। ओम आनंद, ओम माधुर्य, ओम शांति। अकर्तृत्व अभोक्तृत्व स्वात्मन मन्यते यदा, जब अकर्ता अभोक्ता अपने आत्मा को जानकर सहज में जीता है तो उसके सारे कर्म कट जाते हैं। इधर उधर झांको नहीं, अपने भाग्य पर रो के हमें क्यों नहीं होता है। दूसरे को झांको मत, अपने को भगवान की शांति में डुबाओ। वे लोग कृपा पचा रहे हैं, भगवान में गोता मार रहे हैं और हम क्यों झांके। हम भी अपने हृदयेश्वर में गोता मारे, बरस रही कृपा हम भी डूबते जाएं, बरस रहा है रस हम भी भीगते जाएं, बरस रहा है माधुर्य हम भी मधुर होते जाएं। मेरा मैन कैमरा